हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि हमारे पर्सन हमारे लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन गाइज, उससे पहले लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं या क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, हम लोग कर लेते हैं आज की रीडिंग कि हमारे पर्सन हमारे लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो इन दिस ओके। तो गाइस, आई एम नॉट रेडी, आई डोंट थिंक कार्ड्स रेडी है, तो थोड़ा और शफल करेंगे। तो सन कार्ड आया है गाइस, मैं आपको बता दूं यहाँ पे दो ट्विंस जो है इन्जॉय कर रहे हैं गाइज। ये लोग जो है हाथ पकड़ के सन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं। और गाइज, देखते हैं कि क्या कार्ड निकल के आते हैं, हमारे पर्सन हमारे लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, क्योंकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अपना सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ आने वाले हैं। जो भी उनका है वो लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। मुझे पहले तो गाइज मेरा एक मिनट गला पकड़ गया था और ऊपर से गाइज ये पूरा स्प्रेड हो गया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको ये बताना चाहते हैं, शायद सरप्राइज देना चाह रहे हो। लेकिन गाइज, हम ज़रूर देखेंगे कि वो हमारे लिए क्या एक्शन लेने वाला है। तो चलिए गाइज, देखते हैं दूसरा कार्ड क्या आता है। एंजल्स फॉर डिवाइन प्लीज गाइड अस कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमारे लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। ओके, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, तो वो फुल स्पीड में आपकी तरफ आने वाले हैं और आपको जो भी है अपना लेकर के आपकी तरफ आने वाले हैं। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था। ये कार्ड में आया भी था, मैंने इसको वापस अंदर डाल दिया, लेकिन जो कार्ड आना चाहता है गाइज वही आता है। तो ये भी कार्ड आना चाहता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि अगर आपके पर्सन ने सब आपको मतलब कट ऑफ कर दिया आपने लाइफ से और आप वॉक अवे कर गए हैं, तो अब ये पर्सन दुगनी स्पीड से आपकी तरफ आएंगे। अब आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं वो अलग बात है, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए 222 दिखाई दे रहा है। ये एक एक्स्ट्रा साइन है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आ रहे हैं। चलिए गाइस, देखते हैं और क्या निकल के आता है हमारी रीडिंग में। ओके, तो हीलिंग चल रही है यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की शायद। तो उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनिन हील हो चुकी है या डिवाइन मैस्कुलिन को हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, इसीलिए ऐसा हुआ है। लेट्स क्लैरिफाई गाइस, एक मिनट। क्लैरिफाई करने के लिए गाइस, मैं करने वाली हूँ हमारा रोमांस एंजल्स डेक यूज़। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमें सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहिए। तो डिवाइन फेमिनिन एंजल्स, रोमांस एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कि ये सन कार्ड यहाँ क्यों है, क्या एक्शन लेने वाले हैं उसमें, ये सन कार्ड क्यों है यहाँ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो कहीं ना कहीं गाइस डिवाइन मैस्कुलिन सीख रहे हैं कि माफ़ करना भी पड़ता है, पास्ट को रिलीज भी करना पड़ता है और आगे भी बढ़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सन कार्ड इसलिए आया है क्योंकि रिलीज हो रहा है पास्ट, आपके साथ जो भी अभी हो रहा है वो पास्ट रिलीज करने के लिए हो रहा है। तो या जो भी हुआ वो पास्ट को ख़त्म करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए हुआ। तो चलिए गाइज, देखते हैं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए क्या आता है, क्या है क्लैरिफायर और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ये निकलना चाह रहा है रिलीज योर एक्स। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन काम कर रहे हैं अपने एक्स को रिलीज करने में, फॉरगिविंग और लर्निंग में, फिर ही वो आगे बढ़ पाएंगे। और देखते हैं गाइज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या आता है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर रोमांस एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स, क्या कहना चाह रहे हैं स्पिरिट्स डिवाइन। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन दूसरों की सपोर्ट से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो आएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, वो दूसरों से हेल्प लेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइज, और फिर ही आपके पास आगे बढ़ पाएंगे। फाइव ऑफ, या तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो है
आपके एंडिंग का कारण या उनका एक्स को ना छोड़ने का कारण उनके फ्रेंड्स थे। ठीक है गाइस, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है प्लेफुलनेस। यस गाइस, आपकी कनेक्शन काफ़ी प्लेफुल थी और उन्होंने सब कुछ एंड कर दिया और ये इसीलिए एंड हुआ। आपका कनेक्शन काफ़ी लविंग था, स्पिरिचुअल था, प्लेफुल था, रोमांस था, लेकिन उन्होंने इसलिए एंड कर दिया क्योंकि फ्रेंड्स के वजह से उनको काफ़ी कुछ सुनने को मिला और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ उस चीज़ से, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई जिसके वजह से उन्होंने अब आपको फॉरगिव कर दिया है। पर चलिए गाइज उनके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से हमें उनके फॉरगिवनेस की ज़रूरत नहीं है। पर चलिए गाइज देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। वेरी सून जो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको अप्रोच करने वाले हैं, इसलिए आपके लिए बोला गया है कि क्लियरली डिसाइड कि आपको आखिर चाहिए क्या। ठीक है गाइज, ताकि आपके मैस्कुलिन को आप बता सको कि ये है मेरा ग्राउंड, अगर इसके लिए ये कर सकते हो तो ही मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी, मुझे ये प्लेफुल, ये टाइम पास या जो भी है मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि क्लियरली डिसाइड कि आप क्या चाहते हो। ये भी आ रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा भी लग रहा है कि या वो क्लियरली बहुत जल्दी डिसाइड करने वाले हैं कि आपके पास आना ज़रूरी है क्योंकि आप ही उनके रोमांटिक पार्टनर हो और आपके पास आकर बॉटम ऑफ द डेक है एक्सप्रेस योर लव। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने अगर आपको बहुत ही मतलब काट दिया हो अपनी लाइफ से, 5 महीनों के अंदर अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपके साथ बहुत रूड ब्रेकअप कर दिया है या आपको बोल दिया है कि अब नहीं, अब कभी नहीं, ये ख़त्म हो चुका है, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास उस दुगनी तेज़ी से भाग कर आने वाले हैं बिकॉज उनको जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया है, वो समझ गए हैं। ठीक है गाइज, ये देखिए गाइज मिक्सअप हो गए हैं कार्ड्स दोनों डेक के, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ मिक्सअप होना चाह रहे हैं। वो उनका एक्शन होगा कि वही हम पास्ट को फॉरगिव कर देते हैं, भूल जाते हैं और आगे एक न्यू बिगिनिंग करते हैं। मुझे यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहा है आज गाइस, तो वो न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं आपके साथ, आपके डिवाइन मैस्कुलिन हीलिंग करना चाह रहे हैं, फॉरगिविंग एंड लर्निंग करना चाह रहे हैं। ठीक है गाइस, बहुत कुछ है जो आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन लेट्स सी कि ये वेरी सून का कार्ड हमको कितने दिन बताता है, कब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि गाइस मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जो आपको इतना डीपली ऑलरेडी हर्ट कर चुके एक बार, उनके लिए इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं बनता। एटलीस्ट शो करो कि हम इंतज़ार नहीं कर रहे हैं अगर आप कर भी रहे हो तो, क्योंकि एटलीस्ट फील करो कि उन्होंने आपके साथ रूड ब्रेकअप किया है और उनको माफ़ करना, मतलब आप उनको एटलीस्ट ये दिखाओ कि आपने उनको रिलीज़ कर दिया है ताकि आपके लिए लाइफ अच्छी हो। ठीक है गाइज, और अगर आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो तो कट द कॉर्ड्स करो, कुछ भी करो गाइज, लेकिन कम से कम इस बार तो उनको ये मत दिखाओ कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है और वो वापस आकर फिर प्लेफुल रहकर वापस जा सकते हैं, तो ये मत करना इस बार। मैं आपको बता दे रही हूँ कि कब तक जो है आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है गाइज, कब तक आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। टू ऑफ कप्स, 2 मंथ्स के अंदर गाइज मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ जो है कम्युनिकेशन करेंगे, वापस आएंगे, सब फॉरगिविंग एंड लर्निंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, ये वेरी सून भी 2 मंथ्स है। ठीक है गाइज, लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग जो है इस बार थोड़ा सा केयरफुल रहे, इस बार थोड़ा सा उनको सीरियसली ले कि उन्होंने आपको अपने लाइफ से जाने को कहा है। ठीक है गाइज, तो जब वो आ जाए तो आप सब छोड़ के इनके पास वापस ना आ जाना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी थोड़ी सी जो है वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो रीडिंग अभी यही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।